देखिए वर्ल्ड कप के जो मैचेस इंडिया इस बार होस्ट कर रहा है उसमें से एक इम्पोर्टेंट मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड आज धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और जैसे कि जो रिपोर्ट्स कंट्री वाइड हैं और यहाँ पे भी जो महसूस कर रहे हैं 100% सोल्ड आउट स्टेडियम, और स्टेडियम के बाहर भी जो है काफी सारे सपोर्टर्स होने की उम्मीद हमें है, और लगभग 30,000 के करीब लोग जो है धर्मशाला टाउन में आज के दिन डिफरेंट एरियाज में मूवमेंट रहेगी। स्टेडियम जो है 100% सोल्ड आउट है, सारे टिकट्स आउट हुए हैं। इसी के साथ हमें काफी सारे वीवीआईपी मूवमेंट्स जो आज यहाँ पे इस क्षेत्र में हैं, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मूवमेंट्स और कुछ जो है मैच देखने के लिए भी बहुत सारे वीवीआईपी आज धर्मशाला में आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए मेजर चैलेंजेस रहेंगे क्योंकि हमारे रोड्स रिस्ट्रिक्टेड है, पार्किंग प्लेसेस जो है वो सफिशियंट नहीं है इतने क्राउड के लिए। तो इसके लिए एक ट्रैफिक प्लान डिटेल्ड हमने प्लान किया हुआ है, पार्किंग प्लान किया हुआ है, और डिफरेंट जो लोकेशंस है वहाँ पे पुलिस की टीम्स जो हैं 24/7 उनको गार्ड कर रही है। तो ये हमारे मेजर चैलेंजेस है। साथ ही जब इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस किसी भी इवेंट के होता है तो उसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना एक मेजर चैलेंज हम लोगों के लिए रहेगा। तो उसके लिए भी हमने तैयारी रखी है, और मुझे उम्मीद है कि धर्मशाला टाउन के जो होस्ट लोग हैं हमारे साथ वो पुलिस को सहयोग करेंगे, और जो हमारे विजिटर्स हैं, स्पेक्टेटर्स हैं, वो भी डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए हम इस मैच को पीसफुली और एक अच्छे एनवायरनमेंट में कंक्लूड करवा। मैच के अलावा क्योंकि छुट्टियां भी हैं तो वैसे भी टूरिज्म का इनफ्लो बढ़ा है। जी बिल्कुल, आज जैसे नवरात्रि का उत्सव चल रहा है, इसमें आज अष्टमी है और हमारे पास 3 शक्तिपीठ हैं, और साथ में ये एक लॉन्ग वीकेंड है, 24th को दशहरा फेस्टिवल है, इसी दौरान 4 दिन की ये एक लंबा वीकेंड जो है इसमें है। तो हमारे सारे मैक्लियोडगंज, धर्मशाला, पालमपुर यहाँ की होटल्स कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। तो मैच के अलावा ये एक अन्य जो टूरिस्ट ग्रुप है जो विजिट्स के लिए यहाँ पे मैक्लियोडगंज खासकर और धर्मशाला एरिया में उनका आना जाना चल रहा है, तो वो भी एक मेजर ट्रैफिक को लेकर एक मेजर एक हमारे लिए चैलेंज है। तो इसमें भी मैक्लियोडगंज एरिया को भी ट्रैफिक प्लान में डिफरेंट तरीके से डील किया गया है, टैकल किया गया, और हमने कोशिश करी है जो मैच की टूरिस्ट है और जो अन्य टूरिस्ट हैं उनको उनकी डेस्टिनेशंस में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए सेपरेट प्लान्स मैच के लिए और मैक्लियोडगंज एरिया के लिए सेपरेट ट्रैफिक प्लान इस तरह से प्लान किया गया। और साथ में जो वीवीआईपी मूवमेंट्स है उनको भी सेग्रीगेट किया गया जनरल पब्लिक मूवमेंट से, ताकि किसी प्रकार का ऐसा इनकन्वीनियंस जो है वो लीस्ट पॉसिबल हो, और लोकल लोग जो यहाँ के धर्मशाला के ही वासी हैं वो भी लीस्ट पॉसिबल वे में इनकन्वीनियंट उनको हम जो प्लान बना सकते थे वो कोशिश की गई है। 6 नए वन वे प्लान्स शहर के अंदर ऑपरेट करेंगे, तो आई एम होपफुल कि पब्लिक का कोऑपरेशन हमें हमेशा मिलता रहे, और इस इवेंट में भी पब्लिक के सहयोग से और जो मेरी टीम्स सब जगह अलर्ट हैं उनके सभी के कोऑपरेशन से आज का इवेंट भी हम सक्सेसफुली पीसफुली कंक्लूड करेंगे। वीवीआईपीज की बात करें, कैन यू नेम सम जिनके लिस्ट आ चुका है, कौन कौन लोग आ रहे हैं आज के मैच में? अभी तक जो कंफर्म्ड हमारे पास वीवीआईपीज हैं उनमें ऑनरेबल सीएम हिमाचल प्रदेश हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, श्री जेपी नड्डा जी हैं, श्री अनुराग ठाकुर जी हैं, और राजीव शुक्ला जी एमपी हैं, तो उनके साथ ग्रुप्स हैं, और इस तरह से जो नेशनल लीडर्स हैं, स्टेट लीडर्स हैं, और सीनियर जजेस हैं, इनके मूवमेंट आज यहाँ पे प्लान्ड है, और उनके लिए ही हम जो है प्रेपरेशंस करके उनको केटर किस तरह से किया जाए, और जो स्पेक्टेटर्स हैं जो 20,000 के करीब स्पेक्टेटर्स मैच विजिट करने आ रहे हैं उनको किस तरह से मूवमेंट स्मूथ सबके लिए इजी वे में बनाया जाए, इस तरह का प्लान हमने डिजाइन करा है, एंड आई एम होपफुल कि वो सक्सेसफुली हम उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। देखिए जो सिर्फ मैच ड्यूटीज के लिए और वीवीआईपीज जो मूवमेंट्स उनको केटर करने के लिए लगभग 1500 एक्स्ट्रा जो जवान है वो धर्मशाला टाउन में आज की डेट में तैनात है अभी आज प्रेजेंट में। इसके अलावा क्योंकि हमारे टेंपल्स और जो एक तरह से फीडिंग एरियाज है जिसको हम कह सकते हैं, जो हमारे बॉर्डर्स है पठानकोट के साथ, होशियारपुर के साथ, ऊना डिस्ट्रिक्ट के साथ, और जो टेम्पल्स हैं उसमें लगभग 250 लोग जो हैं जिसमें कि पुलिस के जवान हैं, होमगार्ड के जवान हैं, उनको जो है तैनात किया गया, और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ट्रैफिक सेक्टर में इन्वॉल्व रहेंगे, कुछ स्टेडियम प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व रहेंगे, कोई जो प्लेन क्लोथ ड्यूटीज हैं जो सर्विलेंस और वॉचिंग का काम करेंगे,
तो इस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ ड्यूटीज में लगभग आज डिस्ट्रिक्ट में 1750 का कंपोनेंट जो है, ये पूरे अरेंजमेंट्स और नवरात्रि फेस्टिवल के जो अरेंजमेंट्स हैं उनको हम आज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।